अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको जो चीज़ सिखाने जा रहा हूँ वो है कनेक्शन बनाना। व्यू स्टूडियो के अंदर हम दो तरीके से कनेक्शन बना सकते हैं। एक तरीके का होता है माइक्रोसॉफ्ट डॉट ई सी ई डॉट ओ एल ई डी पी 12.0 को यूज़ करके आप कनेक्शन बना सकते हैं, और एक तरीके का होता है माइक्रोसॉफ्ट डॉट जेट डॉट 4.0 को यूज़ करते हुए। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल मैंने जो कनेक्शन स्ट्रिंग दी हुई है वो कनेक्शन स्ट्रिंग माइक्रोसॉफ्ट डॉट ए सी ई डॉट ओ एल ई डी बी डॉट 12.0 की दी हुई है, और इसको जब मैं रन करूँगा तो ये आपको एक एरर मैसेज शो करेगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने मुझे एरर मैसेज शो किया है, द मशीन द प्रोवाइडर इज़ नॉट रजिस्टर्ड ऑन द लोकल मशीन। अब ये एरर मैक्सिमम लैपटॉप्स पर आ जाता है जो कि इस प्रोवाइडर को यूज़ करने की वजह से आपके पास आता है। इसके बगैर जब ये एरर आता है और आप इसको ओके करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन रन तो होती है लेकिन वो वर्क नहीं करेगी, यानी कि उसके अंदर कोई भी जो इंसर्ट कोई भी स्टेटमेंट है कोई भी क्यूरी है वर्क नहीं करेगी। इसका जो सलूशन है वो ये है कि हम इसके एक अल्टरनेटिव प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड दिया गया है, हम उसको यूज़ कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने उसका पाथ यहाँ पर रखा हुआ है जो कि एक अल्टरनेटिव प्रोवाइडर है, इसको मैं उसकी जगह पेस्ट कर दूंगा। सेव करके इसको रन करूंगा तो ये परफेक्टली रन हो रहा है, और अब इसने मुझे वो एरर शो नहीं किया। अब इसके अंदर जो बात आपने नोट करनी है वो ये है कि जब आप वो वाला पाथ यूज़ करते हैं ACCDB वाला, तो उसके अंदर आप क्या करते हैं कि जो डाटाबेस आप यूज़ करते हैं वो .ACCDB में सेव होती है, यानी कि उस एक्सेस डेटाबेस की जो एक्सटेंशन होती है वो .ACCDB होती है। लेकिन जब आप माइक्रोसॉफ्ट .jet.4.0 प्रोवाइडर यूज़ करते हैं तो उसके अंदर आपने ये नोटिस करना है कि जो एक्सटेंशन यूज़ हो रही है वो .MDB है। तो इसके लिए आपको जो आपकी डेटाबेस है एक्सेस के अंदर उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा .MDB में। कन्वर्जन का क्या प्रोसेस है डेटाबेस कन्वर्जन का वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से जो मैंने फ़िलहाल ओपन की है वो MDB फॉर्मेट में सेव्ड है, यहाँ से आप फाइल पे जाइए और सेव एज कीजिए। सेव एज के अंदर आपको ये दो आपको दिखाए जा यहाँ पर शो हो रहे हैं इसकी एक्सटेंशन, जो ऊपर वाली है वो ACCDB है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होती है, और वो आपको बता भी रहा है कि डिफ़ॉल्ट डेटाबेस फॉर्मेट है। इसके अलावा जो नीचे है जो कि इस प्रोवाइडर के साथ jet.oldb4.0 के साथ वर्क करती है वो ये वाली डेटाबेस है। अब ये मेरे पास आप देख सकते हैं कि ये .MDB में सेव थी और मैं इसको चाहता था कि ACCDB में सेव करूँ, तो मैंने यहाँ पर ACCDB में सेव करने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर दिया और उसको सेव एज कर दिया। अब मुझसे वो उसका नेम मांग रहा है और मैं इसी नेम से सेव करना चाहता हूँ, मैंने इसको सेव कर दिया, इसको ओके किया, और ये यहाँ पर मेरे पास इसका पाथ मैंने सेट नहीं किया था, दोबारा से मैं आपको सेव करके दिखा देता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करने लगा हूँ। और ये देखिए US1.ACCDB अब आपके पास आ चुकी है। तो इस तरीके से हम इसको ACCDB फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं,
और इसी तरीके से हम वहाँ पर सेव एज के ऑप्शन में जाके उसको .mdb में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि जब वो पाथ मेंशन कर रहे होते हैं तो वो पाथ यहाँ पर सही नहीं दे पाते। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने पाथ किस तरीके से यहाँ पर सही देना है। फ़र्ज़ करें यहाँ पर कोई पाथ गिवन नहीं है, ठीक है, मैंने इसको मिटा दिया। और इसका पाथ लेने के लिए मैं क्या करूँगा कि कम्बिनेशंस वाली ये डेटाबेस पड़ी है, मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और प्रॉपर्टीज़ में इस पाथ को मैं कॉपी कर लूँगा। इस पाथ को मैंने कॉपी किया और मैंने क्या किया कि डाटा सोर्स की जगह पे मैंने इसको सेव कर दिया। यहाँ पर मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं लिखूँगा अपनी उसका डेटाबेस का नाम, और वो भी बेटर है कि आप इसको इसका जो नेम है वो आप एग्जैक्टली कॉपी कर लें। ये मैंने इसको कंट्रोल सी किया और यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया, लेकिन अभी भी ये बात, ये पूरे का पूरा बात गलत है। वो किस वजह से गलत है कि यहाँ पर आपने बैक स्लैशेस डबल यूज़ करनी है, सिंगल स्लैशेस यूज़ नहीं करनी। देखिए यहाँ पर अभी उसकी एक्सटेंशन भी मिसिंग है, वो क्या थी .mdb। अब ये परफेक्ट हो गया है, अब ये पाथ हर हवाले से ठीक है, तो आप इसको रन कर सकते हैं, वो एरर भी नहीं आया और अब ये परफेक्टली वर्क करेगा। ये देखिए ये हमारा जो सिस्टम है वो काम कर रहा है, और कोई भी फंक्शनलिटी जो मैं परफॉर्म करना चाहूँगा वो ये करेगा।